हाय अभिषेक, वेलकम। हाउ हेलो, आई आर यू? एम फाइन. व्हाट अबाउट गुड यू? गुड गुड गुड, थैंक यू। वील वेट फॉर सम मोर पीपल टू ज्वाइन। या आवाज नहीं आ रही अदनान? या वी आई टर्न इट टर्न माई माइक ऑफ। आई वॉज वेटिंग फॉर अभिषेक टू ज्वाइन। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ सेरिंगा कॉलेज, ट्रेवल्ड वाया मेक्सिको एंड ही हैज रीच्ड सेफली एंड ही विल बी शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस फ्रॉम अभिषेक फ्रॉम दिल्ली, राइट? और अहमदाबाद? यस, फ्रॉम दिल्ली. दिल्ली, ओके। एंड यू वॉन्ट टू शेयर योर एक्सपीरियंस इन हिंदी, राइट? या और इन हिंदी हिंदी, इंग्लिश? इंग्लिश इंग्लिश, ओके बोथ मिक्स अप यू कैन से. ओके, या कूल, नो नो इश्यूज, परफेक्ट। सो शुड वी स्टार्ट? ओके अभिषेक, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस फ्रॉम दिल्ली टू मेक्सिको? आई वोंट इंटरप्ट यू, आई टर्न ऑफ माई माइक, प्लीज गो अहेड। ओके. बेसिकली आई ट्रेवल्ड फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मेक्सिको सिटी वाया पेरिस. सो लाइक मतलब दिल्ली में जो इमिग्रेशन हुआ, मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा. पहुंचने के बाद बोर्डिंग पास उन लोगों ने, एयर फ्रांस वालों ने इशू किया, मेरा पासपोर्ट देखा. उसके बाद मेरा कैनेडियन वीजा देखा, नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखी और उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास दे दिया. एंड उसके बाद फिर हम लोग गए इमिग्रेशन की तरफ, दिल्ली इमिग्रेशन में. तो दिल्ली इमिग्रेशन वालों ने मेरा पासपोर्ट देखा, मेरा वीजा देखा और पूछा कि कहाँ जा रहे हो. तो मैंने बोला कि आई एम ट्रेवलिंग टू कैनेडा वाया मेक्सिको. सो उन्होंने बोला कि मतलब क्या कर मतलब व्हाट्स योर पर्पस टू ट्रेवल टू कनाडा. तो सो आई सेड दैट आई एम ए स्टूडेंट इन सेनेका कॉलेज एंड बेसिकली आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम मेक्सिको सिटी टू टोरंटो. देन तो उन्होंने बोला ओके. तो उनको थोड़ा सा मतलब लाइक डाउट था कि मतलब कैनेडियन वीजा वाले अलाउड होते हैं या नहीं होते हैं, लाइक मतलब कि मेक्सिको में उनको वीजा चाहिए या नहीं चाहिए. बेसिकली मेरे को पता था कि वीजा नहीं चाहिए कैनेडियन वीजा होल्डर्स को कैनेडा का. तो मैं मतलब मैंने बोला कि सर आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम देयर. तो उन्होंने अपने कलीग से पूछा जो उनके बगल में बैठे थे इमिग्रेशन ऑफिसर. तो उन्होंने उनसे पूछा कि इसको भेज दें क्या मेक्सिको. तो उन्होंने बोला हाँ हाँ भेज दो, हमने बहुत भेजे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो उसके बाद उन्होंने बोला ओके ठीक है. उन्होंने स्टैम्प लगाया दिल्ली इमिग्रेशन का, डिपार्ट वाला, और फिर बोल दिया कि यू कैन गो नाउ. तो मैं फिर गेट नंबर के पास जाके बैठ गया. उसके बाद फिर हम लोग गए पेरिस. पेरिस में लेओवर था हमारा बेसिकली. फिर हम लोग पेरिस में लेओवर हुआ. पेरिस में कुछ नहीं पूछा, फ्रांस का ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए आपको. अगर आप कैनेडियन वीजा होल्डर्स हो, चाहे स्टूडेंट हो चाहे पीआर हो, तो कोई दिक्कत नहीं है. स्टूडेंट भी जा सकते हैं, वर्क परमिट वाले भी जा सकते हैं फ्रांस होते हुए, कोई दिक्कत नहीं होगी. फिर हम लोग पहुंचे मेक्सिको. मेक्सिको में हमारा जो बेसिकली हम लैंड हुए, तो आपको मेक्सिको जब आप लैंड हो गए तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है. लाइक इंडिया से ही आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है. आपको अपनी होटल बुकिंग कैरी करनी है मेक्सिको में जितने भी दिन आप रुकोगे. और दूसरा, आपकी ऑनवर्ड टिकट होनी चाहिए कनाडा के लिए, ठीक है? ऑनवर्ड टिकट, होटल बुकिंग, नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए विद इन 72 आवर्स की. और ये तीन चीजें अगर आपके पास होंगी, भले ही आप वर्क परमिट वाले हो लाइक या स्टूडेंट हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. आप बहुत इजिली ट्रैवल कर लोगे कनाडा के लिए. तो हम लोग जब मेक्सिको पे लैंड हुए, तो उसके बाद जैसे ही हमारा मेरा इमिग्रेशन हुआ, तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट मांगा, मेरी नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगी, मेरे से मेरी ऑनवर्ड टिकट मांगी और मेरी होटल बुकिंग मांगी. और फिर पूछा कि हाउ मेनी डेज यू विल स्टे इन मेक्सिको सिटी. तो आई सेड कि आई विल स्टे हियर फॉर 8 8 9 डेज एंड आफ्टर दैट आई हैव माई फ्लाइट टू कैनेडा. सो उसके बाद मतलब उन्होंने बोला कि लाइक कि ओके सो व्हाट विल यू डू हियर फॉर दीज डेज. तो मैंने बोला कि लाइक आई विल विजिट टू सम डिफरेंट प्लेसेस एंड आई विल एक्सप्लोर द मेक्सिको सिटी एंड देन आई विल मूव टू कनाडा. सो उन्होंने पूछा कि व्हाट्स योर स्टेटस इन कनाडा, आप कनाडा में क्या करते हो, व्हाट्स योर पर्पस ट्रैवल टू कनाडा. सो आई सेड लाइक आई एम ए स्टूडेंट इन कनाडा एंड आई नीड टू ज्वाइन माई कॉलेज सिंस आई वॉज स्टक इन इंडिया एंड वी कैन ट्रैवल वाया थर्ड कंट्री, दैट्स व्हाई आई केम टू मेक्सिको. सो आपको पूरा सच बोलना है उनको. और मेक्सिको सिटी में पहुंच गया. फिर मेक्सिको से जब मैं टोरंटो के लिए जा रहा था, तो आपको यकीन नहीं होगा, कोई इमिग्रेशन नहीं होता आपका. अगर आप मेक्सिको टू कनाडा जा रहे हो तो कोई इमिग्रेशन नहीं होगा आपका मेक्सिको में. और फिर जब मैं मेक्सिको के एयरपोर्ट पे परसों पहुंचा, तो परसों पहुंचने के बाद मैं एयर कनाडा के काउंटर पे गया, तो एयर कनाडा वालों ने मेरे से अराइव कैन मांगा, मेरी नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगी और मेरी टिकट मांगी और मेरा पासपोर्ट मांगा. तो ये मांगने के बाद उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास इशू कर दिया और बस फिर मैं कनाडा पहुंच गया. ओके, आपने ये बोला मेक्सिको में होटल बुकिंग चाहिए, ये कौन सी होटल बुकिंग है, मेक्सिको की वाली या फिर 3 डेज जो टोरंटो में चाहिए? नहीं, मेक्सिको वाली चाहिए आपको. ओके ओके, एंड कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट दी आरटीपीसीआर?
हाँ, आरटीपीसीआर बेसिकली आपको अगर पेरिस से ट्रांजिट लेना है तो आपको विद इन 36 आवर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए होगी, जो कि आप दिल्ली पहुंच के एयरपोर्ट पे आप करा सकते हो। अपना नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट आपको विद इन 4-5 आवर्स में मिल जाएगी। मेरी 5 घंटे में आ गई थी रिपोर्ट, रात के 1 बजे आ गई थी, मैंने 7 बजे कराया था आरटीपीसीआर। तो आपको ओके, पेरिस से 36 आवर के अंदर चाहिए और मैक्सिको के लिए विद इन 72 आवर्स। और मेक्सिको में जो कोई कॉन्टैक्ट नंबर आप देना चाहोगे बाद में होटल का, जो बच्चों के लिए हेल्प आउट हो सके, या हाँ, मैं ट्राई कॉल? करूंगा। मैं होटल जिसमें मैं रुका था, होटल प्रिंसेसा नाम था उसका, मैं आपको दे दूंगा। और रही बात उसकी कोविड टेस्ट की, तो कोविड टेस्ट एयरपोर्ट पे 3 जगह होता है। एयरपोर्ट पे ही आपको जैसे ही लैंड होगे वहां पे बहुत सारे 3 काउंटर्स हैं कोविड टेस्ट के, आप किसी भी उस पे जाके करा सकते हो। ओके, परफेक्ट, ठीक है. आप अपना एक बार, कैन यू प्लीज शेयर अबाउट योर हाउ मच एक्सपेंस वॉज, लाइक व्हाट वॉज द फेयर ऑफ द फ्लाइट एंड द स्टे इन मेक्सिको एंड इवन द आरटीपीसीआर एंड फ्लाइट लाइक फ्रॉम मेक्सिको टू टोरंटो. ओके, सो बेसिकली द कॉस्ट ऑफ माय फ्लाइट टू मेक्सिको वाज 84,000 रुपीज, एंड इट वाज एयर फ्रांस। एंड फ्रॉम मेक्सिको सिटी टू टोरंटो द फ्लाइट कॉस्टेड मी अराउंड 45,000 विद 223 kgs ऑफ चेक इन बैग्स। एंड इन मेक्सिको द होटल कॉस्टेड मी फॉर 8 डेज 14,000 इंडियन रुपी। एंड द कोविड टेस्ट इन मेक्सिको वॉज 112 US dollars, सो लाइक 8,000 ओके, इंडियन रुपीज। सो ओवरऑल यू आपका 1.5 लाख से कम में हो गया इंडियन रुपीज, राइट? राइट। ओके, एंड आरटीपीसीआर रिपोर्ट कितने टाइम में मिली आपको मेक्सिको में, क्वेश्चन है? विद इन 20 आवर्स। ओके, वी हैव टू मोर क्वेश्चंस. इज येलो फीवर? नो नो, आई कैन आंसर दिस, इज समथिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. इथियोपिया में यू डू नॉट रिक्वायर, एज एन इंडियन रेसिडेंट यू डू नॉट रिक्वायर एनी येलो फीवर वैक्सीनेशन. इवन इफ दे स्टॉप यू एट एनी एयरपोर्ट इन इंडिया, यू कैन डीएम अस, वी विल शेयर यू द लिंक जिसमें क्लियरली इथियोपिया की वेबसाइट का लिंक है. दे आर स्टेटेड यू डू नॉट रिक्वायर द येलो फीवर वैक्सीनेशन, एंड वी विल ऑल्सो सेंड यू द स्क्रीन शॉट, यू कैन शो दैट टू द इमिग्रेशन. सेकेंडली, ओके, दिस क्वेश्चन इज मोर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. सैनिका में बीटीए हाउ इज इट? या इट्स बायोटेक्नोलॉजी, इट्स अ गुड कोर्स, यू कैन कॉन्टेक्ट टू द एडमिन, वी बोथ आर फ्रॉम सैनिका कॉलेज. एंड ओके, एक अभिषेक वन क्वेश्चन. एयर कैनेडा फ्रॉम मेक्सिको टू टोरंटो, आई हैव अ रिकॉर्डिंग ऑफ वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने क्लियरली दिस स्टेटेड दैट दे आर नॉट फ्लाइंग. तो डिड यू फेस एनी इश्यूज वाइल फ्लाइंग विद एयर कैनेडा फ्रॉम मेक्सिको टू टोरंटो? नो, नथिंग, इट वॉज वेरी सिंपल। एंड एयर कैनेडा इज फ्लाइंग फ्रॉम मेक्सिको सिटी टू टोरंटो। विदाउट एनी हैसल, कोई प्रॉब्लम नहीं आई? नो नो नथिंग, इट वॉज अ ओके, ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड आपके साथ कोई ऐसा था जो 3 डेज होटल क्वारंटीन, जो इसका एग्जेम्प्ट हुआ टोरंटो? बिकॉज आई नो मॉन्ट्रियल में जो इंडियन रिपोर्ट लेके जा रहा है उनको एग्जेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, उनको कंपलसरी बोला जा रहा है कि यू हैव टू गो विद होटल क्वारंटीन थिंग. एंड टोरंटो में आई हैव ओनली 3 पीपल हु आर इन टच विद मी जिनको फोर्सफुली होटल बुक कराया, दैट वॉज कोर्टयार्ड बाय मैरियट. तो बाकी 7 को दे वर एग्जेम्प्टेड, बट डिपेंड्स अपॉन द सीबीएसई ऑफिसर. आपके साथ कोई ऐसा था जिसको कंपलसरी बुक करवाया? नहीं, मेरे साथ तो कोई नहीं था ऐसा। ओके ओके, एंड लेट मी चेक आउट सम मोर क्वेश्चंस. किसी के अगर आपको दिख रहे हैं प्लीज कमेंट्स में दिखना. एंड ओके, स्टूडेंट फैमिली सी है, हेलो भाई अपना. या स्टूडेंट फैमिली डू फॉलो देम, दे आर गुड, दे आर आल्सो फ्रॉम स्टूडेंट, वन वन इज फ्रॉम सैनिका ओनली. ओके, एंड देन आई कैन नॉट फाइंड एनी मोर क्वेश्चंस, सो आई गेस वी कैन रैप इट अप. एंड इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस रूट मेक्सिको, प्लीज डीएम अस एनी टाइम, वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. एंड थैंक यू अभिषेक फॉर योर टाइम. एंड अगर कुछ और सीबीएसई ने कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे हो तो प्लीज आप बता सकते हो. लाइक सीबीएसए ने, जैसे ही मैं मतलब वहां पे, जैसे कनाडा में मैं टोरंटो में लैंड हुआ तो 4 चेक पॉइंट थे। तो 3 चेक पॉइंट तो सिंपल सिंपल थे, लाइक बेसिकली वही होटल क्वारंटीन दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, वो सिंपल सिंपल से। और फोर्थ जो मेन इमिग्रेशन था, जो स्टडी परमिट और वर्क परमिट जो वो इशू करता है, तो उन्होंने बेसिकली मेरे से पूछा कि शो मी योर पासपोर्ट, शो मी योर 3 डे होटल क्वारंटीन बुकिंग, एंड शो मी योर क्वारंटीन प्लान, एंड शो मी द नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट, शो मी द अराइव कैन ऐप। एंड आफ्टर आई गेव ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स टू द इमिग्रेशन ऑफिसर, देन सी सेड लाइक इन द पास्ट 14 डेज
in which country you were. So basically I said I was in India and then I traveled to Mexico on 30th of May. And so unhone tab mere se pucha ki what were you doing in Mexico for these days. So I just said like I visited different places of Mexico and tourism kind of that, and from there I obtained the negative RT-PCR report and I traveled to Canada. Okay, कोई मेक्सिको के कोई क्वारंटीन रूल्स तो नहीं है? नहीं 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 नो नो क्वारंटीन एट ऑल. ठीक है. एंड ओके दिस लास्ट क्वेश्चन, आर यू अ फर्स्ट टाइम? यस, ही इज अ फर्स्ट टाइम ट्रैवलर. ही वेंट टू कनाडा फॉर द फर्स्ट टाइम and on a study permit, and tomorrow we'll be having a live with a work permit holder. She's traveling tonight, so hopefully she lands safely. And I think you were the first student who were in contact with us who landed via this route, and thank you so much for joining us guys, and thank you so much for your time. Abhishek, see you soon. No problem. Thank you. Bye bye. Bye bye.